प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत धारा का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी द्रव्य को लेकर चले तो द्रव्य को उनकी अवस्थाओं के आधार पर हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं या तीन अवस्थाओं में इसको वर्गीकृत करते हैं। एक ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा हम लेकर चलते हैं गैस अवस्था। अगर हम इस ठोस को लेकर चलें तो ठोस पदार्थों को भी हम तीन भागों में जो है वो आपका वर्गीकृत करते हैं, एक चालक, दूसरा अचालक, तीसरा जो है वो आपका अर्धचालक। तो ठोसों का जो हम वर्गीकरण करते हैं इनके आग के चालक, अचालक और अर्धचालक, तो इनको जो है वो हम एक, इसके लिए जो है वो आपका एक विशेष गुण हम ये लेकर चलते हैं कि वो आपका इसका आधार जो है वो हम लेकर चलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो इनका जो हम वर्गीकरण करते हैं वो वर्गीकरण जो है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी पदार्थ को लेकर चले तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो आपके बहुत से अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु जो है वो आपके परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम किसी परमाणु को लेकर चले तो ये हमने लिया परमाणु, तो परमाणु जो है वो आपका क्या है कि इसको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक भाग जो है वो इसका कहलाता है नाभिक, तो परमाणु का एक भाग जो है वो आपका हो गया नाभिक। दूसरा जो है वो आपका होता है कि इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके परिक्रमण करते हैं। अब ये जो आपका भाग होता है नाभिक, इस पर जो है वो आपका परमाणु का समस्त धन आवेश तथा परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है वो आपका केंद्रित होता है। और ये जो है वो आपका अत्यंत सूक्ष्म भाग जो है वो आपका होता है जिसकी त्रिज्या जो है वो आपकी 10^-15 मीटर की कोटि होती है। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके विभिन्न कक्षाओं में जो है वो आपका परिक्रमण करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जो आपका ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश होता है वो नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है, जिसके कारण जो आपका ये परमाणु होता है, परमाणु तो ये जो है वो आपका वैद्युत उदासीन होता है। तो ये परमाणु जो है वो आपका हो गया वैद्युत उदासीन। अब यहां से हम लिख चले कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका परिक्रमण करता है विभिन्न कक्षाओं में, तो विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जो है वो आपकी निर्भर करती है। अगर हम किसी परमाणु को लेकर चले जिसका कि हमने परमाणु क्रमांक जो है वो हमने लिया जैसे 14 लिया, तो इसको हम वर्गीकृत करें तो ये जो है आपका हो जाता है 2, 8 और ये जो है आपका हो गया 4। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है आपका बन गया नाभिक, इसमें जो है वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अब इसकी तीन कक्षाएं जो है वो आपकी उपस्थित हुई, 1, 2 और ये तीसरी कक्षा। अब सबसे भीतर की कक्षा में जो है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इससे बाहर की कक्षा में जो है वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 4, 5, 6, 7, 8 और सबसे बाहर की कक्षा में जो है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके हुए। तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी कितनी हो गई, 14। तो सबसे भीतर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहर की कक्षा में जो है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन और जो सबसे बाहर की कक्षा में होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपकी कक्षा पूरी हो जाती है उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन और जो आपकी कक्षा अपूर्ण होती है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम ये लिख चुके जो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्या होते हैं कि इस नाभिक के चारों ओर
विभिन्न कक्षा में जो है वो आपका परिक्रमण करती है। तो ये कक्षा जो है वो आपकी लगभग जो है वो आपकी होती है वृत्तीय। तो इस वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने के लिए एक अवकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल। तो ये जो है आपके एक अवकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। ये अवकेंद्रीय बल जो है वो आपके नाभिक नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से जो है आपका प्राप्त होता है। तो ये बल जो है वो आपका आकर्षण बल हुआ, जिसके कारण ये अवकेंद्रीय बल जो है वो आपका प्राप्त होता है। अब यहां से हम ये लिख चले कि ये जो है वो आपका जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितनी समीप की कक्षा में होता है, कि जैसे अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लिख चले तो ये जो है वो आपके नाभिक के सबसे समीप की कक्षा में जो है वो आपका परिक्रमण कर रहे हैं। तो इन पर तो आपके नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल वो आपका सबसे अधिक होगा। अब जैसे जैसे ये दूरी जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, यानी कि वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस अवकेंद्रीय बल का मान जो है वो आपका कम होता जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर की कक्षा में परिक्रमण करते हैं उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल जो है वो उतना ही कम होता है। तो ये बल जो है वो आपका लगभग जो है वो आपके नगण्य के बराबर माने, या बहुत ही क्षीण जो है वो आपका होता है। तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो है वो आपका क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस कक्षा को जो है वो आपका छोड़ देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बाहर हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका बाहर हुआ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब इससे जो है वो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मुक्त हुआ तो शेष पर जो है वो आपका क्या आ गया, धन आयन। तो ये जो आपका शेष परमाणु रहेगा ये परमाणु जो है वो आपका आयन में परिवर्तित हो गया और ये जो है वो आपका हो गया धन आयन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हुआ तो उस पर जो है वो आपका आ गया ऋण आयन। अब ये जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो है वो आपके परमाणु के पदार्थ में जो आपके परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के बीच जो आपका रिक्त स्थान होता है उसमें जो है वो आपके ये गमन करते हैं। और ये गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन ही इसमें जो है वो आपके आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी अधिकतम होती है उन पदार्थों को हम कहते हैं चालक, या उन ठोसों को हम कहते हैं चालक। जिनमें जो है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी नगण्य होती है उनको हम कहते हैं अचालक। और जिनमें जो है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो चालक और अचालकों के बीच होती है उनको हम कहते हैं अर्धचालक। तो जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस पदार्थ में या ठोस में जो है वो आपके आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो जिन पदार्थों में या ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उन पदार्थों को हम कहते हैं चालक। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी नगण्य होती है या शून्य होती है वो आपके कहलाते हैं अचालक। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो चालक और अचालकों के बीच होती है उन पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। अब यहां से हम ये लिख चुके कि सबसे ज्यादा जो है वो आपका अगर हम ठोस को लेकर चले या चालकों को लेकर चले तो चालक में जो है वो आपका सबसे अधिक जो है वो आपकी आती है चांदी। तो चांदी में जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपकी सबसे अधिक होती है। इसके बाद जो है वो आपका आता है तांबा, इसके बाद जो है वो आपका आता है सोना, फिर इसके बाद जो है वो आपकी आती है एल्यूमिनियम। तो ये जो है वो आपके सभी जो है वो आपके बोले आते हैं चालक। और इन चालकों का या ठोसों का जो हम वर्गीकरण करते हैं वो वर्गीकरण जो है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करते हैं। अब यहां से हम ये लिख चुके कि जो आपके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अब इनकी हम गति को लेकर चले कि इनकी गति जो है वो आपकी कैसी होती है। अब जैसे तुम लोगों ने पढ़ा कि गैसीय मॉडल को हम लेकर चलते हैं तो जो आपके चालकों में जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो आपकी किसी गैस के अणुओं की गति के अनुसार ही होती है। कि जैसे हमने एक जो है वो आपका कोई भी एक बर्तन को लिया और इस बर्तन में जो है वो आपके कोई भी गैस के अणु जो है वो आपके उपस्थित है तो ये जो है वो आपके हो गए गैस के अणु। तो ये जो आपके गैस के अणु है
ये अणु जो है वो आपके किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह व्यवहार जो है वो आपके करते हैं। अब किसी गैर बर्तन में जो गैस के अणु जो है वो आपके भरे होते हैं, ये निरंतर जो है वो आपके गति करते हैं। गति करते हैं तो दूसरे अणुओं से जो है वो आपके क्या करते हैं, ये जो है वो आपके टकराते हैं, और टकराने के कारण इनके वेग में जो है वो आपका क्या होता है, परिवर्तन। तो वेग में परिमाण भी बदलता है और दिशा भी जो है वो आपकी परिवर्तित होती है। अब अगर हम किसी चालक में भी पूछे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जिनसे अलग हुए उन पर जो है वो आपका आ गया धनायन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या करती है, इन धनायनों से जो है वो आपके लगातार जो है वो आपके टकराती रहती है। तो इनकी ये गति जो है वो आपकी होती है जिग जैग मोशन। तो ये गति जो है वो आपकी कहलाएगी जिग जैग मोशन, जिसके कारण इनके वेग में जो है वो आपके परिमाण और दिशा दोनों में जो है वो आपका परिवर्तन होता है, जिसके कारण इनका अगर हम औसत वेग अगर हम लेकर चले तो औसत वेग जो है वो आपका शून्य होता है। औसत वेग जो है वो आपका क्या होगा, शून्य। लेकिन औसत चार्ज जो है वो आपकी शून्य नहीं होती, औसत चार्ज ये जो है वो आपकी शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती, जबकि औसत वेग जो है वो आपका क्या होगा, शून्य। अब यहां पर हम ये पूछेंगे इसी में कि जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम किसी भी पदार्थ को लेकर चले कि जैसे हमने ये जो है वो आपका एक बेलनाकार पदार्थ को लिया या चालक को लिया, अब इसको हमने क्या किया, कई बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक दो तीन चार। अब यहां पर जो है वो आपका क्या होगा कि जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, ये वितरण जो है वो आपका सतत होता है। सतत होने का मतलब आपका क्या होता है कि इसके इस भाग में यानी कि इस आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस भाग में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस भाग में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस भाग में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो है वो आपकी समान होगी। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है या संख्या होती है वो आपकी सतत होती है, जिसके कारण अगर हम प्रत्येक भाग को लेकर चले तो प्रत्येक भाग में इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेश हो गया और शेष के कारण जो है वो आपका धनावेश हो गया, तो ये जो है वो आपका नेट आवेश जो है वो आपका हो गया शून्य। तो इसलिए अगर हम किसी भी चालक को अगर लेकर चलते हैं तो वो चालक जो है वो हमेशा वैद्युत उदासीन होगा। तो उदासीन होने का, वैद्युत उदासीन होने का कारण जो है आपका क्या है कि इसमें जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनों का जो आपका वितरण होता है वो आपका सतत होता है। तो एक अगर किसी पर्टिकुलर आयतन को लेकर चले तो उस आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी क्या होगी, समान। तो समान होने के कारण जो है आपका क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है, शेष का जो आपका धन आवेश है, तो उसके कारण ये जो है आपका न्यूट्रल हो गया। तो ये जब भाग न्यूट्रल हुआ तो ये भाग भी न्यूट्रल हुआ, ये भाग भी न्यूट्रल हुआ, ये भाग भी न्यूट्रल हुआ। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो आपका वितरण होता है वो वितरण जो है वो आपका कैसा होगा, सतत। अब दूसरा कि चालक जो है वो आपका क्या होगा, वैद्युत उदासीन। अब यहां पर हम ये लेकर चले कि जब ये चालक जो है वो आपका हो गया उदासीन, अब ये जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है अगर हम इसकी गति को लेकर चले तो इसकी गति को जो है वो हम गैसीय या गैसों के अनुमति सिद्धांत के आधार पर लेकर चलते हैं। तो गैसों के अनुमति सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, तो अनुमति सिद्धांत के अनुसार अगर हम लेकर चलते हैं तो गैसों के अणुओं की जो चार्ज होती है वो चार्ज जो है होती है वी आर एक्स, और Vrms बराबर आपका होता है अंडर रूट 3kT अपॉन m, जहां के जो है वो आपका हो गया वोल्टस में नियंत्रण, के वोल्टज में नियंत्रण, और इस नियंत्रण का मान जो है वो आपका होता है 1.38 इंटू 10^-23। कैपिटल टी जो है वो आपका हो गया कमरे का ताप, कमरे का ताप, और ये जो हम लेके चलते हैं केल्विन। एम जो है वो आपका हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान,
अब जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसको हम अनुमति सिद्धांत के आधार पर उसको हम निकालते हैं। तो ये जो बातें हो गई वी आर एम एस बराबर अंडर रूट थ्री के का मान आपका हो गया 1.38 इंटू 10^-23। अब कमरे के टेम्परेचर को हमने लिया कि टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, तो केमिकल टी बराबर आपका हो गया 27+273 और ये जो है आपका हो गया 300 केल्विन। तो ये जो आपका हो गया 300 केल्विन अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि आपका हो गया 9.1 × 10^-31। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मान जो है वो आपका लगभग निकल कर आता है 10^5 m/s। तो ये जो है वो आपकी हो गई वी आर एम एस। तो ये जो है वो आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ये जो है वो आपका बोला जाता है औसत वेग या औसत हम चार्ज बोलते हैं। औसत वेग को जो है वो हम शून्य लेकर चलते हैं। औसत चार्ज जो है वो आपकी लगभग निकल कर आती है 10^5 m/s। तो यही जो है वो आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो है वो आपकी चार्ज होती है। अब इसके बाद हम इसमें दो छोटे छोटे भागों को लेकर चलते हैं। एक भाग जो है वो आपका कहलाता है औसत मुक्त पथ। मुक्त पथ तो ये औसत मुक्त पथ जो है वो आपका होता है इसको हम लैम्डा से, तो मुक्त पथ को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, लेकिन यहां पर बढ़ा गया औसत तो इसलिए इसको हम लेके चलते हैं लैम्डा बार से। अब यहां पर हम ये लेके चलते हैं कि कोई भी अगर हमने चालक को लिया तो चालक के भीतर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या होते हैं कि जो आपके चालक में धन आवेशित परमाणु होते हैं या धन आयन होते हैं उनसे जो है वो आपके लगातार जो है वो आपके टकराते हैं और इनकी जो गति होती है उस गति को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। उस गति को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। अब जैसे अगर हमने ये लिया ये हो गया तो ये जो है वो आपका हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब एक जो है वो आपका धन आयन हो गया ये, दूसरा धन आयन जो है वो आपका हो गया ये। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच, दोबारा सुनना हर चीज को, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई सीधी दूरी, तो ये सीधी दूरी जो है वापी कहलाएगी लैम्डा बार। तो ये जो है इसका कहलाता है औसत मुक्त पथ। अब अगर हम इसमें लेके चले तो ये दोनों हो गए, इसमें लेके चले तो ये दोनों हो गए, इसमें लेके चले तो ये दोनों हो गए, इसमें लेके चले तो ये दोनों हो गए। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई सीधी दूरी को हम कहते हैं इसका औसत मुक्त पथ। और जो ये औसत मुक्त पथ होता है लैम्डा बार, इसकी अगर हम कोटि को लेकर चले तो ये जो है आपकी लगभग होती है 10^-9 m की कोटि की। तो ये औसत मुक्त पथ जो है वो आपका होता है 10^-9 m। अब इसमें जो है वो हम एक और वर्ड को लेकर चलते हैं जो है वो आपका कहलाता है श्रांति काल। श्रांति काल, श्रांति काल या इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको जो है वो हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। श्रांति काल जो है वो आपका क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये चालक के भीतर उपस्थित धन आयनों से जो है वो आपका लगातार टकराता है, तो दो धन आयनों से क्रमागत हुई टक्करों के बीच चली गई सीधी दूरी को हम कहते हैं लैम्डा बार यानी कि औसत मुक्त पथ, और इन टक्करों के बीच लगे समय को जो है वो हम कहते हैं श्रांति काल। तो श्रांति काल जो है वो आपका क्या हो गया समय कि इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, तो ये जो है वो आपका हो गया श्रांति काल। अब यहां पर हम ये लेकर चले कि इसकी चार्ज जो है वो आपकी क्या हो गई वीआरएनएस, और वीआरएनएस जो है वो आपका क्या हो गया 10^5। औसत मुक्त पथ जो है वो आपका कितना हो गया 10^9। अब चार बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर जो है वो आपका क्या हो गया दूरी बटे चार,
तो टाउ बराबर आपका हो गया लैम्डा बार अपॉन वी आर एम एस। अब यहां से हम ये लेकर चलेंगे कि टाउ इसी तरह लैम्डा बार अपॉन वी आर एम एस, और यहीं से जो है वो हम ये लेकर चलें टाउ बराबर लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। तो वी आर एम एस जो है वो आपका हो गया अंडर रूट 380 अपॉन एम, ये हो गया। अब यहां से जो है वो आपका क्या रहता है टाउ प्रपोर्शन आपका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट टी के, इस क्रांति काल का मान जो है वो आपका ताप पर जो है वो आपका निर्भर करेगा, और ताप की जो है वो आपका क्या होगा विद्रुमानुपाती, अतः ताप के बढ़ने पर क्रांति काल जो है वो आपका घटेगा। अब यहीं से हम ये लेकर चले कि टाउ बराबर आपका हो गया लैम्डा बार अपॉन वी आर एम एस। अब लैम्डा बार का मान अभी मैंने बताया था कि 10 टू पावर माइनस 9 मीटर की कोटिका होता है, और वी आर एम एस जो है वो आपका होता है 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड की कोटिका। तो 10 टू पावर माइनस प्लस के 5 और 10 टू पावर ऊपर जो है वो आपका हो गया माइनस 9। अब इसको अगर हम लेकर चले तो ये जो आपका हो गया 10 टू पावर माइनस के 40, तो इस टाउ का मान वो लगभग जो है वो आपका होता है 10 की घात माइनस 14 सेकंड की कोटिका। तो ये जो है वो आपका कहलाता है क्रांति काल। इसमें से दोनों को दोबारा से देखो, औसत मुक्त पथ, औसत मुक्त पथ जो है वो आपका क्या होता है कि चालक के भीतर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसके भीतर उपस्थित धन आयनों से जो है वो आपके लगातार टकराते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय जो है वो आपका कहलाएगा क्रांति काल, और सीधी तय की गई दूरी जो है वो आपकी कहलाएगी औसत मुक्त पथ। अब ये जो आपका दूरी होती है औसत मुक्त पथ, ये जो है वो आपकी 10 की घात माइनस 9 मीटर की कोटि की होती है। अब क्रांति काल की इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय जो है वो आपका कहलाएगा क्रांति काल। अब चार बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर आपका हो गया दूरी बटे चार। तो दूरी जो है वो आपकी हो गई लैम्डा बार, चार जो है वो आपकी हो गई वी आर एम एस, लैम्डा बार जो का क्यों, और वी आर एम एस इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट 380 अपॉन एम। तो यहां से जो है वो आपका ये निकल कर आया कि टाउ का मान जो है वो आपका ताप पर निर्भर करता है, तो टाउ प्रपोर्शन आपका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट कैपिटल टी। तो ताप के बढ़ने पर क्रांति काल का मान जो है वो आपका घटेगा। अब इसके मान को निकालते हैं तो टाउ बराबर आपका हो गया लैम्डा बार अपॉन वी आर एम एस, लैम्डा बार का मान जो है वो आपका हो गया 10 टू पावर माइनस के 9 और वी आर एम एस जो है वो आपका हो गया 10 टू पावर 5। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये लगभग जो है वो आपका निकल जाता है टाउ इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस के 14 सेकंड। तो क्रांति काल का मान जो है वो लगभग जो है वो आपका 10 की घात माइनस 14 सेकंड की कोटिका होता है। तो ये जो है वो आपका हो गया।